कोचिंग अगर है, मुझे नहीं मालूम बाकी कोचिंग में क्या होता है, बट जो यहाँ पे होता है वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कहीं और नहीं होता, कहीं और नहीं होता। बिना किसी कोचिंग को विजिट किए मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे है वो कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, और एक बार फिर से इतना सम्मान देने के लिए, उतना ही विश्वास दिखाने के लिए जितना आपने पहले रखा हमेशा की तरह, और यही विश्वास बनाता है जो मैंने आपको फॉलो किया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि हम 11th 12th में जब मैंने सीएलसी ज्वाइन किया, 11th में ज्वाइन किया फाउंडेशन कोर्स के लिए, तो जयपुर से आया और बस मतलब पता चला था, बस बॉस को मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा तो चैनल से, तो मुझे लगा कि मतलब सीएलसी आना चाहिए, और सीएलसी हम 11th में आ गए, फिर 11th 12th में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और बस 12th से जब नीट का एग्ज़ाम दिया 2021 का, तो स्कोर मेरा 657 रहा। तो बॉस ने मतलब पहले से कह रहे थे एग्ज़ाम से पहले कि दिल्ली का कॉलेज डिजर्व करता है, दिल्ली जाना है, तो फिर मुझे लगा कि हाँ मैं जा सकता हूँ। तो बट एग्ज़ाम में 657 रहा था, तो राजस्थान में मिलता कॉलेज बीकानेर में मिलता, तो मुझे मन में ऐसा था कि नहीं दिल्ली से करना है MBBS, दिल्ली से करना है। तो मम्मी पापा ने मतलब देखो नॉलेज में मतलब जयपुर से हम हैं बट एवरेज फैमिली है, बहुत फॉर नॉलेज एंड ऑल्सो फॉर करियर नॉलेज इन इकोनॉमिक्स। तो जो पापा ने बोला, मम्मी ने बोला कि बॉस इतने बड़े इंसान हैं, मतलब उन्होंने जो कह दिया वो कर ले, बस इतना ही माना। ऐसा नहीं है कि किसी ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, बहुत सारे ने कहा कि 657 तो बहुत अच्छा स्कोर है, ऑलरेडी आपको कॉलेज मिल रहा है, फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में आप सिलेक्टेड हो, तो फिर क्यों, क्या जरूरत है दोबारा करने की। बट हमने किसी की भी नहीं सुनी, और लिटरली मैंने किसी की भी नहीं सुनी, सिर्फ बॉस की सुनी है, बॉस को फॉलो किया। मम्मी ने कहा कि जैसा बॉस कहे ना बस वैसा कर ले, हमें कुछ नहीं मालूम, तू डॉक्टर तो बन ही जाएगा, और बॉस जैसे लीडर मिले तुझे तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। और फिर बस बॉस को फॉलो किया, तो बॉस ने बोल दिया कि अब शुरू कर देते हैं वापस दिल्ली जाना है हमें, तो मैंने शुरू कर दिया और 2022 के लिए प्रिपरेशन फिर वहीं से स्टार्ट किया। और फिर एग्ज़ाम के बाद नीट 21 का जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसके बाद मैं आ गया था कुछ दिनों बाद, लाइक नवंबर से दिसंबर में मैं बॉस के पास पहुंच गया था, एंड बॉस ने कहा कि घर पे रहेगा मेरे। तो सच में ये जो विश्वास है ये सुप्रीम लेवल है, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि कोचिंग अगर है, मुझे नहीं मालूम बाकी कोचिंग्स में क्या होता है, बट जो यहाँ पर होता है वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कहीं और नहीं होता। बिना किसी कोचिंग को विजिट किए मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे है वो कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे विश्वास है जो बॉस का, सीधे डायरेक्टर कोचिंग के आपसे बच्चे से ऐसे बात करते हैं कि वो उसका बड़ा भाई है, उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स हैं, तो ये और कहीं नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है, और कहीं नहीं मिल सकता। तो ये विश्वास है सीएलसी का, और जैसा बॉस ने कहा कि बस फॉलो किया है, मतलब कि मम्मी पापा ने बोला कि बॉस को फॉलो करना है, तो जैसा बस हम करते गए, और अब अच्छा स्कोर है और दिल्ली की ओर मूव कर रहे हैं, सो अच्छा लग रहा है काफ़ी, और बॉस का विश्वास बस साथ रहे हमेशा। तो यही मैं कहना चाहूँगा सीएल स्टूडेंट्स के लिए भी कि अगर बॉस आपको मिले हैं, तो ऐसे मान लो कि बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, आपकी सीएलसी आपने ज्वाइन कर लिया, और कोचिंग देखो सिलेक्ट तो कहीं से हो जाना है, बट जो यहाँ से सीख के जाएंगे ना, सच में वो अलग लेवल होगा, नेक्स्ट लेवल होगा जो आप सीख के जाओगे यहाँ से, और जब फर्दर जर्नी करोगे फ्यूचर की, तो सच में हमेशा साथ रहेगा बॉस का। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका भी बॉस साथ रहता है, बॉस के साथ रहता है, और हम भी हैं, तो ये अलग लेवल का विश्वास है। और दूसरी बात ये कि अगर कुछ लोग बोलते हैं कि यार जो मिल गया ठीक है ना, मिल गया तो सही है, ले ले, जैसे लास्ट ईयर मिल रहा था कॉलेज तो बीकानेर में मिल रहा था, तो बोला कि अच्छा कॉलेज ले ले, तो बट मुझे नहीं चाहिए था। तो फिर बॉस की एक बार बात सुनी थी कि उन्होंने कहा कि या तो अगर आपको जो पाना चाहते हो या तो उसको हासिल कर लो, और या जो हासिल हुआ उसको स्वीकार कर लो। तो हासिल हुआ था बट वो मन में नहीं था, तो उसे स्वीकारा नहीं, और जो हासिल करना था उसके लिए मेहनत की, और वापस से मिल गया वो, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।